दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रतिभा नमन के 20वें एपिसोड में हमारे साथ नर्मदांचल की एक और ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इंजीनियर भी हैं, जो डॉक्टर भी हैं, जो संगीतकार भी हैं, जो शिक्षक भी हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नर्मदांचल में शिक्षा के माध्यम से धूम मचा रखी है। सैमरटन स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी। डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी ने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, उसके बाद स्कूल खोले सैमरटन नाम से और आज इनके 6 स्कूल चल रहे हैं। एक छोटी सी शुरुआत की थी 1996 में। तो हम डॉक्टर आशुतोष शर्मा से जानेंगे उनके संघर्षों की कहानी, उनकी सक्सेस स्टोरी। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। अखिलेश जी, मैं डॉक्टर आशुतोष शर्मा सर, होशंगाबाद ही मेरी जन्मभूमि रही है। 6 जुलाई 1965 को मेरा जन्म हुआ और हम 10 भाई बहनों में मेरा 7वां नंबर है घर में। अच्छा। और 3 बहनें मेरी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं जो गुना, शिवपुरी और पिपरिया में पदस्थ हैं। अच्छा। और शुरू से ही मेरा रुझान शिक्षा में रहा है और आध्यात्म में रहा है। अच्छा। और ये मेरे पिता एक दुकान का संचालन करते थे और हमारे यहाँ बहुत बड़ा मशीन का एक कारखाना हुआ करता था। रही बात शिक्षा की, तो हमारा झुकाव जब पिताश्री ने देखा कि शिक्षा की तरफ है, तो हमने बिजनेस को पसंद ना करके शिक्षण को अपना व्यवसाय भी बनाया और जीवन भी बनाया। बहुत बढ़िया सर, आपकी पढ़ाई के बारे में और नौकरी के बारे में बताएं। चूँकि आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग का और उसके बाद शायद नौकरी भी आपने की है। जी हाँ सर, मैंने 11th बोर्ड मैथमेटिक्स से किया, मैट्रिकुलेशन। उसके पश्चात पॉलिटेक्निक हरदा से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया मैंने और ठीक 3 महीने बाद मेरी जॉब लगी PWD नेपानगर में। अच्छा। जी हाँ। और जॉब के दौरान ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये मैं अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रह पाऊँगा। स्विच करके मैं पुनः होशंगाबाद आया और यहाँ पर आकर मैंने हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। अच्छा सर, हिंदी और इंग्लिश में आपने अपनी पढ़ाई की और साथ में आपका संगीत की तरफ रुझान कैसे हुआ? संगीत से भी आपने शायद एमए किया है। निश्चित रूप से संगीत रुचि का विषय नहीं है, संगीत तो ये प्रदत्त होता है। कहते हैं पोइट्री पिटी एंड सिंगिंग वॉइस कैन नॉट बी टॉट। इंसान को कविता लिखना और करुणा करना और साथ ही गायन सिखाया नहीं जा सकता, ये तो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। मुझे स्वाभाविक रूप से गायन की सिंगिंग वॉइस मिली थी और जब धीरे धीरे मैंने गानों को कॉपी किया तो मुझे ऐसा लगा कि संगीत ईश्वर की देन है, तो मैंने क्लासिकल में भी करता चला गया। तत्पश्चात प्रभाकर और प्रवीण की डिग्री मैंने संगीत में। अच्छा। ली। बहुत बढ़िया। और सर, उसके बाद आपने प्राइवेट अध्यापन किया स्कूल खोलने के पहले, उसके बारे में कुछ बताएं। सन 1987 में PWD नेपानगर जब छोड़ के आया मैं। अच्छा। तो फिर मेरे पास करने को तो कुछ था नहीं। जी। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री लेने के साथ साथ प्राइवेट कोचिंग्स घर पे देना शुरू की। अच्छा। और सन 90 से मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिए, प्राइवेट स्कूल। जी। और 5 साल तक ज्वाइन करने के बाद जब मुझे आत्मविश्वास हुआ कि हम स्वयं भी इस काम को कर सकते हैं, तो सन 1996 में मैंने स्कूल की स्थापना की। अच्छा। तो सर, 1996 में आपने स्कूल की स्थापना की, उसके बाद से लगातार सतत प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हैं स्कूल आपके, आज 6 स्कूल हो गए हैं, उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सन 96 में शिवम शैलम समिति के द्वारा जी हमने स्टेट बोर्ड से मान्यता लेकर के स्कूल की स्थापना की और 11वें वर्ष हमने इसको स्विच करा लिया CBSE में। अच्छा।
सन 2007 में CBSE की मान्यता मिली जी, और लगभग 8 वर्ष बाद फिर हमने 2017 से विचार किया कि क्यों ना शिक्षा का प्रसार किया जाए जी। अच्छाई का जितना प्रसार किया जाए उतना अच्छा है, बहुत बढ़िया, और बुराई को जितना एक जगह दबा दिया जाए उतना अच्छा जी। अच्छे लोगों को तो बाहर आना ही चाहिए जी। तो इस विचार को लेकर के फिर हमने कुछ जगह देखी जहाँ पर इस स्कूल की स्थापना की जा सकती थी। तो आज पिपरिया में, बाबरी में, सोहागपुर में जी, बायां जो कि सीहोर जिले में है, इस तरह से 6 स्कूल हमारे, जिसमें ICSE की मान्यता 1, 3 CBSE और 2 स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हैं। बहुत बढ़िया सर। और सर आज कितने स्टूडेंट्स होंगे आपके पूरे 6 विद्यालयों में? लगभग 6000 विद्यार्थी हैं, जिसमें 3500 के आसपास इस मुख्य शाखा CBSE होशंगाबाद में। बहुत बढ़िया सर। आपने एक एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज जो बच्चों को एयर होस्टेस और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की शिक्षा देने के लिए प्रारंभ किए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए सर, प्रतिभा को हम ढूंढने यदि निकलते हैं जी, तो हमें स्वयं से या स्वयं के लोगों से अपने घर में भी देख लेना चाहिए। तो मैंने देखा कि मेरे एक रिश्तेदार हैं जो एविएशन में, उन्होंने लगभग 20 वर्ष काम किया। अच्छा। हाँ, उनका नाम शालिनी फौजदार करके। अच्छा। तो वो दूसरी एकेडमी में टीचिंग और ट्रेनिंग का काम करती थी। अच्छा। मैंने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना अपना काम शुरू किया जाए जी, और 2 वर्ष के अंतर ही हम 2 विद्यालय या 2 ट्रेनिंग सेंटर IIAHM नाम से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट नाम से, भोपाल और होशंगाबाद में 2 एविएशन ट्रेनिंग सेंटर मैंने बनाए। बहुत बढ़िया है सर। होशंगाबाद में कहाँ है ये आपका सेंटर? होशंगाबाद में रसूलिया में इसकी एक ब्रांच है। अच्छा। और भोपाल में MP नगर Zone 2 में। Zone 2 में, बहुत अच्छी बात है सर। और सर इसी के साथ एक और आपने गृह उद्योग भी शुरू किया है, ऐसा पता चला था मुझे। जी हाँ सर, मेरे इस स्कूल में 3500 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं जी, तो लगभग इतने ही पेरेंट्स के प्रत्यक्ष संपर्क में हम रहते हैं। अच्छा। उनके सुख दुख में हम जुड़े रहते हैं। जब मैंने देखा कि कुछ माताएं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और वो किसी कारण से फीस नहीं दे पा रही हैं, तो हमारी भी एक सीमा होती है उनको सहयोग और कंसेशन देने की जी। इस दृष्टि से हमने विचार किया क्यों ना एक उद्योग बनाया जाए जिसमें वो महिला काम भी करें ससम्मान और धन अर्जन भी करें और उनके बच्चे पढ़ भी लें। बहुत आज की समय में लगभग 12 महिलाएं उस उद्योग में काम कर रही हैं, जिसमें अच्छा। घर की सामान, बड़ी, पापड़, अचार, इस तरह का निर्माण किया। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। साथ ही सर समाज सेवा के और भी कई पहलू हैं जिनके बारे में मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आप उसके बारे में कुछ बताइए। समाज सेवा का जहाँ तक प्रश्न है कि जब मनुष्य स्वयं में संतुष्ट हो जाता है, और कहते हैं जिसका खुद का पेट भरा जाता है वो फिर दूसरों की भूख का अनुभव कर सकता है यदि उसके अंदर करुणा है तो जी। तो जब हमने देखा कि हमें हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है, हम कुछ कर सकते हैं जी, तो फिर सबसे पहला काम समाज सेवा के लिए हमने देखा कि गौ माता का संरक्षण जो है, आज गौ माता यहाँ वहाँ बिना किसी मालिक के, बिना किसी आवास के, रहने के वो घूम रही हैं जी, रोड पर रह रही हैं, एक्सीडेंट में मर रही हैं। तो हमने विचार किया कि एक गौशाला का निर्माण किया जाए। लगभग 1 एकड़ भूमि हमारे मित्र ने हमें दी जी, तो हमने गौशाला का निर्माण किया। बांद्रा बांध रोड पर है वो गौशाला, और एक गौशाला और है जो रंढाल में संचालित है। तो इस तरह से लगभग 250 गायों की सेवा प्रतिदिन हमारे द्वारा होती है। बहुत अच्छी बात है सर। और सर परिक्रमा वासियों को सदाव्रत भी आपने शुरू किया है, क्योंकि हम तो नर्मदा किनारे के वासी हैं, नर्मदा भक्त हैं, तो नर्मदा परिक्रमा वासियों को जो सदाव्रत आपने प्रारंभ किया है उसके बारे में बताएं। सर, नर्मदा नदी ही है, ऐसी है विश्व में जिनकी परिक्रमा की जाती है, और पैदल परिक्रमा का विशेष महत्व है जो लगभग 3 वर्ष और 3 महीने में पूर्ण होती है जी। पैदल यात्रियों के लिए कच्चा भोजन देने की या कच्ची सामग्री देने की जो व्यवस्था है, हमने विचार किया कि क्यों ना उन्हें हम पक्का या भोजन बना करके ही दिया जाए जी। तो सामने मतलब उत्तर तट बुधनी पे हमने एक भवन बनाया छोटा, और उसमें व्यवस्था की कि किसी भी परिक्रमावासी को कभी भी भोजन उपलब्ध हो जाए। तो ये कार्य लगभग 4 वर्षों से हमारा निरंतर जारी है। बहुत बढ़िया।
अन्नपूर्णा सदाव्रत नाम से बुधनी में। अच्छा सर, आप 1996 से आप स्कूल प्रारंभ किया आपने और रन कर रहे हैं तब से लगातार, तो कोई ऐसा संस्मरण जो आपको अनायास याद आ जाता हो? संस्मरण में हमने यही देखा है कि वैसे तो इतना बड़ा कार्य जो हम कर रहे हैं, प्रतिदिन लगभग 5,000 बच्चों को रिसीव करना जी, उनको पढ़ाना, उनको सुरक्षित घर भेज देना जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने ये देखा है कि यदि हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करते हैं तो ईश्वर भी मदद करता है। कुछ वाक्य ऐसे ज़रूर हो जाते हैं जहाँ हम सोचते हैं कि शायद बहुत कठिनता के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जब हम सब्र रख लेते हैं और भगवान पे विश्वास करते हैं तो फिर हम वहाँ रुक नहीं सकते हैं। जब पहला बैच हमारा सन 2000 में स्टेट बोर्ड से जब निकला तो वो हमको ज़रा बड़ा दुख देने वाला था, क्योंकि हमारा रिजल्ट उस समय रुक गया था। अच्छा। और हमको बहुत आलोचना के सामना करना पड़ा था कि आपने बच्चों को झूठा बोल करके और एडमिशन दिए, आपको मान्यता नहीं है। यद्यपि मान्यता थी जी, बाद में पता चला कि हमारे एक सब्जेक्ट की कॉपी किसी दूसरे स्टेशन पे गुम गई, इस वजह से रुका रिजल्ट। और फिर हम ऐसे और भी कुछ संस्मरण हैं जी, लेकिन ये ज़रूर है कि जीवन में इस तरह के दुख देने वाले, तपा देने वाले अनुभव आपको आगे भी बढ़ाते हैं और जीवन की सुखद स्मृतियाँ आपके दुखद क्षण ही बनते हैं, ये मेरा मानना है। बहुत बढ़िया सर। सर, आपको 2017 में हिंदुस्तान आर्ट्स एंड म्यूज़िक सोसाइटी कोलकाता द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूज़िक सोसाइटी कोलकाता जी, इनके परीक्षाओं का एग्ज़ाम का कंडक्शन हम होशंगाबाद में करते थे। अच्छा। तो जब वहाँ के पदाधिकारियों ने हमको देखा, हमारी शैली देखी, होशंगाबाद के बच्चे और लोगों को देखा, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम उस समिति के अध्यक्ष बन जाए जी, जो हमने स्वीकार किया। उसी समिति के द्वारा फिर मुझको अगले वर्ष डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई। बहुत बढ़िया। तो मैं तब से अपने आप को डॉक्टर लिख रहा हूँ जी, जी, जी। धन्यवाद। और सर, उसमें जो सोसाइटी है आपकी हिंदुस्तान आर्ट्स एंड म्यूज़िक सोसाइटी कोलकाता, उसके माध्यम से यहाँ संगीत की क्या क्या गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं आप? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि उसमें हमारी अगली योजना भी बता पाऊँगा मैं आपको जी। इसमें संगीत, गायन, नृत्य और वादन जी, साथ ही पेंटिंग, ये सारे के सारे विषय समाहित हैं। बहुत बढ़िया। और महाविद्यालय तो हम चला ही रहे हैं पिछले 20 वर्षों से जी। फिर हमने विचार किया क्यों ना हम विश्वविद्यालय की स्थापना करें जी, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारा जी बेनिफिट, लाभ ले सकें हमारे कार्य का, हमारी प्रतिभाओं का जी। तो मैं उस हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूज़िक सोसाइटी को मैंने लगभग 5,000 वर्ग फिट की ज़मीन दान में दी है। बहुत। और अगले 2 या 3 वर्षों में हम यूनिवर्सिटी का निर्माण कर पाएंगे जी, ये हमारी महत्वाकांक्षी योजना है। बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आपको आपकी महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए। और सर, आपने 6-7 देशों की यात्रा की है म्यूज़िक के क्षेत्र में, आर्ट्स एंड सोसाइटी कल्चर कला सोसाइटी के साथ, तो आपने क्या अंतर महसूस किया हमारे देश में म्यूज़िक के क्षेत्र में, वो जो बाहर आप प्रोग्राम देने गए वहाँ के जो कल्चर आपने देखा होगा उसमें क्या अंतर आपने महसूस किया? मैंने ये देखा है कि कला और कला की जो सम्मान, कला की जो पूजा है, वो तो भारत के अलावा और कहीं भी मुझे उसके दर्शन नहीं हुए जी। दूसरा, मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान एक विकासशील देश है जी, और जब हमने विकसित देशों की यात्रा की जी, तो हमने ये पाया कि वहाँ करने को कुछ नहीं रहा, वहाँ सिवा आलस्य और नीचे गिरने के अलावा हमने कुछ नहीं देखा। अच्छा। लेकिन जो ग्रोथ देखी है, जो डेवलपमेंट देखा है, हमने अपनी भारत भूमि में देखा है। बहुत बढ़िया। क्योंकि जो उच्चता का जो प्रमाण है, सीमा, कोई सीमा नहीं होती उसकी, और जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसमें परफेक्शन तो संभव नहीं है, लेकिन हम एग्जैक्टिट्यूड ला सकते हैं, एग्जैक्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं, परफेक्ट नहीं बन सकते जी। तो वो विदेशी सभ्यता इस भ्रम में है कि वो परफेक्ट हो गए हैं, यद्यपि ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। जो प्रेम है, जो व्यवहार है, जो परिवार है, या जो विकास है, वो भारत के अलावा कहीं भी नहीं है। तो विदेश भ्रमण में जब मैं गया तो मुझे अपने देश से और अधिक प्यार हो गया। बहुत। और सम्मान से मैं उसे देखता हूँ जी। और जो प्रतिभाएं हमारे यहाँ हैं उसका तो कोई
निश्चित रूप से हम कह सकते हैं भारत विश्व गुरु था और है और रहेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर। सर कुछ मंदिरों का निर्माण भी आपके द्वारा कराया गया है, तो उसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। मैं घूमना तो मेरा शौक़ है, सुबह शाम पैदल जाता हूँ या गाड़ी से भी जाता हूँ, और मैं कहीं कहीं अधूरे मंदिर यदि देखता हूँ या कोई लोग भगवान की प्रतिमा रख देते हैं, उनकी ना पूजा करते हैं ना शेड बनाते हैं, तो नए मंदिर बनाने की अपेक्षा पुराने मंदिरों का निर्माण कर देना या पुराने यहाँ भगवान स्थापित हैं उसको पूरा बना देना, इसमें मेरी विशेष रुचि। तो मैंने लगभग 4 या 5 इस तरह के मंदिर बनवाए हैं, और अभी डोंगरवाड़ा जो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर नर्मदा तट पर है जी, एक जगन्नाथ जी का मंदिर, पूरी नर्मदा परिक्रमा के दौरान एक भी मंदिर नहीं है, तो ऐसी ही हमारे गुरु जी को भावना हुई तो एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन मेरा यह है कि यदि भगवान बैठते हैं तो उनकी सेवा नियमित रूप से गंभीरता से हो, ये मेरा मानना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने दी सर, आपके बारे में जानने का अवसर मिला। साथ में एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा यदि संदेश सभी को मैं देना चाहूँगा तो एक ही दूंगा जी, कि आप में यदि प्रतिभा नहीं है, यदि आप सोचते हैं कि साधारण सर्वसाधारण या बहुत कम है, हमारे को कुछ नहीं दिया, यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप एक काम करें कि जो भी जितना भी आपको आता है आप उसको सतत करें, निरंतर करें, उसमें किसी भी प्रकार का ब्रेक ना दें जी। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, आप उस काम को करते जाएं जी, क्योंकि ये निश्चित है कि जो प्रतिभाशाली हैं उनके अंदर एक प्रकार का प्रमाद आ जाता है, अवसाद आ जाता है, नैराश्य स्थिरता आ जाती है, लेकिन जो निरंतर काम कर रहे होते हैं इसको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं जी, वह सफलता की सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, ऐसा मेरा मानना है। तो कार्य करते रहें, आप सर्वोच्च शिखर पर निश्चित पहुँचेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा संदेश आपने युवाओं को दिया, समाज को दिया, कि आप जो भी करें निरंतरता के साथ करें, रुके नहीं बीच में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत सारी जानकारियां आपके बारे में प्राप्त की, आपकी सक्सेस जर्नी के बारे में जाना, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के इस इंस्पायरेशनल इंटरव्यू में आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अब तक ना किया हो तो घंटी की बटन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।